चले भैया चलो चलो अब सॉन्ग सॉन्ग चल के चलेंगे हम। मेरा नाम जी तलजिंदर सिंह गिल है और मैं ट्रक चलाते हैं और आज हम राहुल जी के साथ ड्राइव करेंगे। ये सीट ऊपर नीचे जाती है जी, आगे पीछे इसमें साइड में लगा होगा, आपके भी होगा जी। जी ना, ये लॉग बुक है जिसके साथ वो इंजन कनेक्ट है, इसमें आता है कि कितने आवर की ड्राइव करनी है, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होता है जी। हमारे यहाँ ना ये दोस्त की शादी है। अच्छा, यहाँ पे ये उसकी बारात आ रही है इस स्टेट में। सभी उसको मजाक कर रहे थे कि राहुल गांधी को मिलने के लिए इधर शादी छोड़ गया जी, तेरा दोस्त कैसा है। व्हाट अ डिफरेंस टू द इंडियन ट्रक, ये तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ये ड्राइवर के लिए डिजाइन है, मतलब ये आपके कंफर्ट को देख के बनाया गया है जी। हिंदुस्तान में जो ट्रक है जी, उसको ड्राइवर के कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं, वो ड्राइवर के लिए नहीं बनाया, ड्राइवर के लिए नहीं बनाया। तो अगर जो चलाता है आप उसको कंफर्ट नहीं दे सकते तो फिर किसको देखो, तो उसके लिए उसके बड़ा जरूरी बात है कि जो भाई चलाता है मेहनत करता है, जिसके साथ आपका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, तो उसको कंफर्ट का जरूर ध्यान रखें। इंडिया के कंपैरिजन में सेफ्टी बहुत ज्यादा है, बहुत फर्क है जी। कोई उसके कोई रास्ते में कोई तंग नहीं करता, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता यहाँ पे, और रोड पे उनको यहाँ पे चोरी का भी डर कम है। और यहाँ पे टिकट काफी मिलते हैं, डिपेंडेंस वाले पुलिस वाले स्पीड वो इंडिया वाला अगर स्पीड पे जाते हो तो फिर तो मिलता है, वो नजायज तंग कोई नहीं करता, जैसे रोक लिया आरटीओ ने, रोक लिया वो, रोक लिया वो, काम नहीं है। और स्पीड लिमिट क्या है यहाँ पे, जैसे एरिया के यहाँ पे 65 की है जिस स्टेट में हम जा रहे हैं, वो एरिया और उसके हिसाब से चलते हैं। आप जनरली रेस्टोरेंट में खाते हो या अपना खाना लेते हो? अपना खाना सारी सभी लेके आते हैं बाहर, तो एक टाइम भी आपने खा लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको, जो हमारी कम्युनिटी वो तो बेसिकली की रोटी चाहिए उनको, रोटी चावल चाहिए। एक दिन बाहर खा सकते हैं, दो दिन खा सकते हैं, बट जो अपना खाना, अपना खाना होता है जो पीछे फ्रिज है आपको दिखाएंगे, फ्रिज में रख लेते हैं जहाँ पे, जैसे माइक्रोवेव होता है इंडिया में, जैसे स्टोव होते हैं जहाँ पे चूल्हा है छोटा सा, वो गैस पे उसमें छोटा सा सिलेंडर आता है तो उसमें वो लगे तो उसमें गर्म कर लेते हैं, घर से सामान लेके आते हैं अपने सारे। वो कैंपिंग वाला चूल्हा जो होता है छोटा, हाँ छोटा छोटा इतना सा होता है। अभी तो रोटी बनाने वाली मशीन आ गई है जी। हाँ, तो वो लोगों ने ट्रक कुछ जो दूर कैलिफोर्निया को चलते हैं 8-10 दिन, तो वो उसमें आटा डाल दिया, पानी डाल दिया, वो अपने आप बना के रोटी बना के निकाल देती है, वो भी मतलब पका के देती है, पका के देती है। ये पास है, प्री पास है, हाईवे का नहीं है जी। जो हम स्केल आती है ना, इसमें क्या होता है कि अगर ग्रीन लाइट आ जाए तो बाहर से जाना है, अगर रेड आ जाए तो इनसाइड जाना है। तो वे अगर आपका वेट ठीक नहीं है तो फिर वो आपको डालेगा अंदर डालेगा। तो उसमें ना ये रोड पे स्केल बनी होती है ना इसमें सड़क में, और प्री पास जैसे हम टोल नहीं होता उसमें से कट हो जाता है। तो ये कैमरा है जी। अच्छा, अभी तो बंद किया इनसाइड की आप बैठे, तो यहाँ पे कोई ड्राइवर अंदर साइड कोई हैपन हो जाए तो ये काम आता है कि किसकी गलती है, आउटसाइड भी इसका चलता है। अच्छा, इस ट्रक के सबसे अच्छे फीचर्स कौन से लगते हैं आपको, क्या है इसमें, मतलब आपकी जिंदगी ये ट्रक आसान कैसे करती है? मेन फीचर है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ट्रक है। अच्छा, मैन आज ये देखिए फॉरवर्ड ड्राइव में कर दिया और ब्रेक करना है, जस्ट इतना ही काम है और कुछ नहीं। गियर बूट का एक्सेलरेटर है और ब्रेक, ब्रेक है यहाँ पे, क्लच नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है इसकी। तो एक टंकी भरने के लिए कितने पैसे लगते हैं? अगर हमने 100 गैलन भी डाला तो 400-450 का समथिंग। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे वो अभी आपकी बात से बात निकली, हमें क्या हमें कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड दिए हुए एक, वो अब हमें हमारे पास कोई कैश नहीं होता, हम कार्ड से 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट करते हैं, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हमें टाइम मिल जाता है, 15 दिन में पैसा बनाओ कमाते हो इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी। रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है, $8-10,000 इजिली बनता यहाँ पे अपना ट्रक वाला, $10,000 $8,000 रुपए हो गए, 8 लाख रुपए महीने बना सकते हैं, 8 लाख रुपए महीने के, महीने महीने
पैसा अच्छा है इस इंडस्ट्री में, ऐसी कोई बात नहीं है। काम भी बहुत है और अपॉर्चुनिटी जिन लोगों के पास स्टडी नहीं है या कोई बिजनेस करने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है उनके लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। हिंदुस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ भाई आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। जो बहुत हार्ड जॉब है कोई किसी जॉब नहीं है जी, लोग बड़ी मेहनत करके ये आपको 8-8, 10-10 दिन बाहर रहना, रोटी पानी वैसा पर फैमिली से दूर रहना, बड़ी हार्ड जॉब है। यहाँ पे कंपैरिजन ये भी है कि यहाँ पे एक बंदा ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सरवाइव कर सकता है, वहाँ का ट्रक ड्राइवर को सरवाइव फैमिली का सरवाइव करना भी मुश्किल है। मुश्किल बिजली का बिल, अगर कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल जाना पड़ गया 7-8 हज़ार तो वहाँ पे लग जाता है जी। उसको लिए भी अगर कुछ हो सकता है एक परमानेंट एक रेट फिक्स जरूर हो ट्रकिंग वालों के लिए, मिनिमम रेट। हाँ, मगर इंडिया में दूसरी बात है कि जैसे ये आपका ट्रक है जी, इंडिया में ट्रक ड्राइवर का ट्रक नहीं होता, ट्रक ड्राइवर बस चलाता है, ट्रक किसी और का होता है। यहाँ मैं वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक तो रेट अच्छा हो, यहाँ में अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, पैसे किसी के पास नहीं, डाउन दिया और उसके क्रेडिट के हिसाब से वहाँ पे के बैंक लोन लेके वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको जमीन के पेपर या कोई प्रॉपर्टी चाहिए होती है लोन देने के लिए, वहाँ पे लोगों जो ड्राइवर लोग हैं ना वो जो गरीब तबका ज्यादा है, जो गरीब लोग हैं वो करते हैं, उनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती कोई, और हाँ उस वो जब लोन लेना होता है तो वो प्रॉपर्टी के पेपर मांगते हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर मांगते हैं वो उनके पास नहीं होते, वो किसी का ही चलाते रहते हैं। ये कंट्रियाँ हमारे लोगों को लेके ग्रो कर रही हैं, तो हमारा तो पोटेंशियल हमारे तो खुद के पास है वो। बिल्कुल सही, बहुत गहरी बात बोली आपने। वहाँ पे कोई कोई बीजेपी भक्त कोई एम्प्लॉयमेंट की बात थोड़ी कर रहा है, कोई स्टडी की बात थोड़ी कर रहा है, कोई अफसर भी अच्छा अच्छे इंसान बनने की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो वो बात है कि भाई यार ये इंसानियत की बात थोड़ी ना मिलेगी वहाँ। लोगों ने जता दिया इन लोगों को, लास्ट में आके महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे, अभी उनको वो समझ आ चुका है कि धर्म असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है, अपने अपने धर्म को मानना चाहिए जितनी श्रद्धा है, बट ये चीज रोटी नहीं देती। अब रोटी कमानी है तो वो मेहनत करनी है, कोई स्किल लेनी पड़ी। और नफरत फैलाना किसी धर्म ने नहीं कहा है, किसी ने भी नहीं। सॉन्ग चाहिए राहुल जी जो भी आपको कोई हमारे ना जी एक रिक्वेस्ट है, हमारा कांग्रेस का वर्कर का जितना सिद्धू मूसे वाला उसको इंसाफ नहीं मिला रहा। हाँ बिल्कुल, देख लो कितनी बड़ी उसका लगाओ, उसका लगाओ, उसका लगा देते हैं, चलते हैं जी। हम सुन 295 लगाना है, वो 295 लगाओ, वो लगा देते हैं। I like him very much. Will you go and have breakfast? Yeah. Thank you, Aapka ji. Thank you, thank you. Rahul Gandhi aaye hain. Shock ho gaye. Hello, hello. Hey, how are you? Good, good, good. बुकिंग हिसाब से 14 आवर मिलते हैं जिसमें 11 आवर फॉर ड्राइविंग 3 आवर फॉर लोडिंग आवर, तो वो तो हो गया लोग बुकिंग, उसकी लिमिट नहीं होती 14 आवर, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, 14 से ज्यादा नहीं चला सकते, फिर उसके बाद 10 आवर की स्लीप डालनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या जो स्लीप है जैसा हम मतलब आप ट्रक में ही सोते हो? बेड है। अच्छा, फिर दिन में कहाँ रुकता कहाँ है वो? ट्रक स्टॉप पे, वहाँ पे रुक जाओ सो जाओ। फ्री पार्किंग है, शावर होता है वहाँ पे, शावर। अच्छा, फ्री पार्किंग होती है वहाँ पे? फ्री पार्किंग होती है। अच्छा, दिखाओ ये ऐप है ट्रकिंग की, जैसे जो ट्रक रूट्स होते हैं ये जहाँ पे आते हैं गैस स्टेशन कहाँ पे है और ये स्केल है, लोग इसमें रिव्यू डालते हैं, जैसे ये देखना क्लोज, जो आगे से निकल गया उसने यहाँ पे रिव्यू डाल देने की ये क्लोज हो गई है। तो मतलब गूगल मैप जैसा है? गूगल मैप जैसा है। इसमें क्या फायदा है गूगल मैप से? क्या फायदा? गूगल मैप में ये नहीं आता कि गैस स्टेशन ट्रकिंग वाले कहाँ पे हैं, यहाँ पे स्केल आ गई है, ठीक है, आगे देखेंगे आप, यहाँ पे गैस स्टेशन है, ये फ्लाइंग जी है, जिसने जहाँ से तेल डालना है रेट क्या है। अच्छा, रेट दिया हुआ है इसमें, देख लिया। चलो